देखिए आज की जो क्लास है उसमें हम प्रेसिडेंट पे बात करेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट्स। ठीक है, आज की टॉपिक ही है हमारा द प्रेसिडेंट। तो हम आज प्रेसिडेंट पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 52 में इंडिया में एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, अडॉप्टेड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट प्रेसिडेंट जरूर होगा इंडिया में। और इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी प्रेसिडेंट की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है और प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक आम आदमी भी भारत का प्रेसिडेंट बनने की योग्यता रखता है, हो सकता है। अब उसकी क्वालिफिकेशंस पे ये चर्चा हम करने जा रहे हैं कि क्या होगा। तो पहला फर्स्ट जो क्वालिफिकेशंस में है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहला पॉइंट्स क्या है, एक प्रेसिडेंट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है, सिटीजन, इंडियन सिटीजन फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट क्या होगा, एज कितनी हो चाहिए, एज ऑफ 35 ईयर्स, प्रेसिडेंट की एज कितनी हो, 35 ईयर्स। तीसरा जो है पॉइंट्स क्या होगा, उसमें किसकी लोकसभा मेंबर इलेक्ट होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा, एलिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर की एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने की उसके अंदर क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस इन प्रॉफिट, और किसी ऑफिस इन प्रॉफिट के पोस्ट पर ना हो। चौथा पॉइंट है, मस्ट नॉट बी एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट, कोई ऑफिस इन प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड ना करता हो, ये उसका एलिजिबिलिटी में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आर्टिकल 52 में दिया है कि होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे, ये तो हो गए इतने पॉइंट्स। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, चुनाव कैसे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, वो हमारा आर्टिकल 54 पर है ये चर्चा होगी कि आर्टिकल 54 में और क्या क्या दिया गया प्रेसिडेंट के इंडिया के बारे में, वो हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 54 में है कि इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इलेक्शन आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 54 में है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा। अब इसका इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो इसमें द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, इसके चुनाव में कौन भाग लेगा, जो इलेक्ट मेंबर होंगे दोनों हाउसेस के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में भाग लेंगे। लेकिन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो है वोटिंग नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड मेंबर वोटिंग नहीं कर सकते। अब अभी तक हम प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन प्रेसिडेंट बना। पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गरीब, फिर जस्टिस हिदायतुल्ला, फिर बीबी गरी बने, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर है वी डी जत्ती, एन एस रेड्डी, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसके बाद फिर बन गए डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, और प्रेजेंट में जो आपके हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद प्रेजेंट प्रेसिडेंट। तो इतने हमारे प्रेसिडेंट अब तक इलेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर हमने प्रेजेंट प्रेसिडेंट तक की बात कर ली। अब इसके बाद आता है टर्म, प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो कितने इयर्स का होता है और टर्म या टेनेवर्स क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो 5 सालों तक अपने पद पर काम कर सकता है। अब आता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, प्रेसिडेंट की सैलरी अब 5 लाख पर मंथ हो गई है, पहले इतनी नहीं थी, पहले 1.5 लाख के आसपास थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो बढ़ गई है और 5 लाख पर मंथ हो गई प्रेसिडेंट की सैलरी। इसके बाद आता है कि रेजिग्नेशन किसको देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिजाइन लेटर। लेकिन अगर इससे पहले भी हटाना हो प्रेसिडेंट को तो क्या प्रोसेस है? इसके लिए इम्पीचमेंट आएगा दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट में मस्ट है कि ये इम्पीचमेंट लोकसभा से पास होना जरूरी है, राज्यसभा पास करे और लोकसभा, तभी प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट ही प्रोसेस है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। अब आता है कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। प्रेसिडेंट के फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहला फंक्शन है इसके पास एजुकेटिव पावर होता है। पहला फंक्शन क्या है? एजुकेटिव पावर है, प्रशासनिक अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि ये कंट्री का हेड है। दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वैधानिक पावर है, क्योंकि इसके साइन के बिना कोई भी बिल वैधानिक बिल का स्टेटस नहीं पा सकता, तो इसके पास एक लेजिस्लेटिव पावर है। तीसरा, इसके पास मिलिट्री पावर है प्रेसिडेंट के पास, मिलिट्री पावर, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, अब तो सीडीएस की पोस्ट हो गए तो उसके ऊपर है प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट को दिए गए, इमरजेंसी में 360, 352, 356, ये सब इमरजेंसी पावर है। फिर है डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट के पास, किसी भी कंट्री से डिप्लोमेट्स करना है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? कि किसी को मौत की सजा मिली हो, सारे कोर्ट ने उसे कह दिया हो कि फांसी दे दो, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उसे क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ये जुडिशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास। फाइनेंशियल पावर में क्या आता है? जितना भी मनी बिल है विदाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिशन, किसी भी हाउस में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे प्रेसिडेंट के अन्य पावर हो गए, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, अन्य सारे पावर हो गए प्रेसिडेंट के। अब आता है कि जो हमारा क्या नाम है, ये पावर है, इसमें मेन पावर में हम 352, 356 और 360 पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अब 12 बजे रात के बाद लगी तो कहीं 24 जून 1975 लिखा है, कहीं 25 जून 1975। अब 12 बजे के बाद तो डेट टाइम चेंज ही हो जाता है, तो 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगा दी गई। और इस नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या हुआ था? इफेक्ट ये हुआ था, इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगा देने के बाद फंडामेंटल राइट्स सारे डैमेज हो जाते हैं, और जब फंडामेंटल राइट्स डैमेज हो जाते हैं तो कोई भी कोर्ट वगैरह जा नहीं सकता, वहां से कोई रिलीफ पा नहीं सकता, जिसको चाहो उसको अरेस्ट कर लो, उसको जेल में डाल दो। इमरजेंसी लगाने पर यही सबसे बड़ा इसका हुआ है फायदा है, इमरजेंसी जब लग जाती है तो किसी को जेल में डाला जा सकता है। इसके बाद आता है कि 52 के बाद क्या हुआ, 50 के बाद 356, थ्री, अब ये नेशनल इमरजेंसी 352 कितने बार लगी? फर्स्ट टाइम लगा था जब चाइना से वार था 1962-68 के टाइम में, दोबारा ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 71-1977 के टाइम में, थर्ड टाइम लगी 75-1977, तो ये नेशनल इमरजेंसी थ्री टाइम लगाई गई। 356 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 356 का प्रयोग किसने किया? हमारी प्राइम मिनिस्टर यंग इंदिरा गांधी ने सबसे अधिक 356 का प्रयोग किया। 356 स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना और वहाँ का सारा पावर छीन लेना, 356 है। अक्सर किसी भी राज्य में अगर शासन ठीक से नहीं चल रहा होता तो सेंटर वहाँ 356 लगाकर वहाँ की जो पावर्स है वो अपने अंडर में ले लेता है। लेकिन अभी तक जो है हमारा 360 नहीं लगा, 356 तो लगा कई बार, 360 लगाने का एक बार ऐसा टाइम आया था जब 360 लग जाता, लेकिन वो टाइम पीरियड किसका था? वो टाइम पीरियड था मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश का गोल्ड जो है इंग्लैंड में गिरवी रखा हुआ था, ऐसी कंडीशन में 360 लगाने की आवश्यकता थी। लेकिन भारत सरकार ने समझदारी दिखाई और डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी किया, 9 जुलाई 1991, 11 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991, थ्री टाइम्स जो है डिवेल्यूशन ऑफ इंडियन करेंसी करने की वजह से क्या हुआ, जैसे ये थ्री टाइम्स हुआ एक्सपोर्ट जो है राइज करने लगा, एक्सपोर्ट जब राइज करने लगा तो अपने आप ही क्या हुआ, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लगा, और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लगा तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा जो क्या नाम है डिफिसिट था वो रिकवर होता गया, और हमें जो नीड ऑफ मनी थी वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती गई, तो 360 लगाने की जरूरत वैसे पड़ी नहीं। और इमरजेंसी पावर भी सारे कहाँ से लिए गए, जर्मनी से लिए गए,
360 भी, 352 सब जर्मनी से ही लिया गया ये सारे पावर। तो ये आता है हमारे प्रेसिडेंट की मेन बातें। फिर आता है कि प्रेसिडेंट को वीटो पावर्स भी दिए गए हैं। अब वीटो पावर्स ये है कि किसी भी बिल से प्रेसिडेंट अगर सहमत नहीं होते हैं तो उस पर वो साइन करने से मना कर सकते हैं, लेकिन ये बिल वही होगा जो जनरल बिल होगा, जो फाइनेंशियल बिल होगा उसको प्रेसिडेंट ना तो वो कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, और ना इसे वापस भेज सकते हैं। केवल वो जनरल बिलों को डिनाई भी कर सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के एक स्पेशल पावर है जिसमें डिस्ट्रॉय और फेडरल सिस्टम्स क्रिटिसाइज किया गया है कि इस तरह से जब प्रेसिडेंट को आप ज्यादा पावर दे देते हो तो फेडरलिज्म तो अपने आप खत्म हो जाता है, वो तो एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है। तो पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट देश का सर्वोच्च पोस्ट है, 35 ईयर्स का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, एलिजिबिलिटी और योग्यता आपको बताई देगी। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि प्रेसिडेंट इंडिया को पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं, पढ़ा लिखा हो या ना हो तभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। सबसे कम पढ़े लिखे यानी जय सिंह 5th क्लास, ठीक है, फखरुद्दीन अलेवन 8th क्लास पास थे, तो ऐसे भी भारत के प्रेसिडेंट हुए हैं जबकि एक छोटे से छोटी पोस्ट की एलिजिबिलिटी तय कर दी गई। बट भारत की प्रधानमंत्री की जो इसका प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी है उसमें एजुकेशन एलिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं रखी गई। उस टाइम पीरियड के लिए तो ये ठीक था, लेकिन आज के टाइम पीरियड के लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी इसकी होनी चाहिए। ये एक ओपिनियन हमारा अपना खुद का है कि एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट की भी तय होनी चाहिए। अब वो पढ़ा लिखा होना जरूरी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या हो ये भी होना चाहिए। तो अब टाइम बदल रहा है इसलिए प्रेसिडेंट की भी एलिजिबिलिटी हो। तो ये प्रेसिडेंट पर हमने बात किया। हम वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते क्योंकि बोरिंग ना लगे आपको, आराम से आपको पढ़ने और समझ आ जाए कम से कम समय में, तो 10-15 मिनट की वीडियो कोई भी आराम से देख सकता है। ये हमारा अपना ओपिनियन है, इसलिए हम बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब हम लाइव क्लास शुरू करेंगे उसकी डिटेल में जाएंगे, एक तो एक डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है 10-15 मिनट का हो गया, तो मैं उस पर डिटेल प्रेसिडेंट पर बात करूंगा। और ये क्लासें हमारी कुछ दिनों में शुरू होने वाली हैं, तो अभी मैं सारे क्वालिटी खत्म करके कोल साइंस शुरू करने वाला हूँ, उसके भी कुछ वीडियो हम बनाते हैं। इसके बाद जैसे ही हम अपनी क्लास शुरू होगी हम आपको सारे इसके प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और वो प्रक्रिया हम शुरू करेंगे तो उसका डिटेल हम इस पर डालेंगे, ठीक है। तो ये क्लास एंड होती है, प्रेसिडेंट खत्म। अब हम कल भी क्लास लेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, तो ऐसे ही पॉलिटी इंडियन पूरा खत्म करेंगे, फिर हम पोल साइंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको पोल साइंस का आइडिया लगेगा, तो आगे फिर हम आते हैं कल वाइस प्रेसिडेंट पर बात करते हैं, ठीक है। द एंड। तो आज की क्लास, कल फिर इस पर बात करते हैं।